इस तरीके से ये लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे भी दो चिक्स हैं। और मिट्टी हमने दिया हुआ था इनके केज के अंदर, और देना भी चाहिए नेचुरल मिनरल्स के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एनी व्लॉग। और एक नए दिन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। एंड धूप अचानक से काफ़ी तेज़ हो गई है, मतलब एकदम से दो तीन दिन से इतना कड़ा धूप निकल रहा है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो हमने शेड्स में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं और कुछ अपडेट भी किए हैं ताकि धूप से बच सके, बारिश से बच सके। एंड काफ़ी दिन से मैं उसी पे लगा हुआ था, इसीलिए थोड़ा कम ध्यान दे रहा था वीडियोस पे। तो आज मैं आपको अपडेट्स दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें जो नॉर्मल होती है डेली वो दिखाऊंगा। साथ ही साथ जिन भाई ने मेरा या जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज़ को देखते हैं उन्हें थोड़ा भी अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। एंड शुरू करते हैं व्लॉग को। वीडियो की शुरुआत होने वाली है गाइस सॉफ्ट फूड के साथ, क्योंकि सुबह का टाइम है, सबसे पहले हमें सॉफ्ट फूड देना है। तो ये गेहूँ है, इसको हम लोग दे देते हैं। तो इस तरीके से ये लोग खा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से खा रहे हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि हम लोग पानी चेंज कर देते हैं। ये लोग पानी पीते कम है और गंदा ज़्यादा करते हैं, तो धीरे से पानी को बाहर ले लेते हैं। तो इसको वॉश करके इसमें दोबारा अच्छा पानी डाल करके इसको दे देते हैं। इस तरह से फूड एंड पानी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटेनर को हमने कर दिया है क्लीन अच्छे से और इसमें हम लोग दे देते हैं अब साफ़ पानी। हमने अभी जस्ट बर्ड को अपना दिया हुआ था खाना, सॉफ्ट फूड, और ये लोग उसी को खाने में लगे हुए हैं वहाँ नीचे। कंप्लीट उन्होंने ख़त्म कर दिया है, अभी 10 मिनट ही हुए हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें अंदर आपको दिख रही होंगी, तो वही सब अपडेट्स हैं। ऊपर में एल्बेस्टर का काम मैंने करा दिया था, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा राहत है। मतलब धूप जब 11 बजे तक ऊपर चला जाता है तो ऊपर के एल्बेस्टर इस धूप को लेने लगता है और नीचे से जो स्पेस है वो ठंडा रहता है थोड़ा। तो दूसरा जो अपडेट हमने किया है इस पर कि क्या हो रहा है ना कि अचानक से एकदम से बारिश होने लगती है, तो बारिश से बचने के लिए हमने इधर साइड में बैनर्स लगा दिए हैं और इसको हमने तार से बांध दिया है। ये परमानेंट बैनर है, नीचे में स्पेस को 1 फीट छोड़ते हुए हमने इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया है। और ये क्या करते हैं ना कि बारिश होंगे तो मुझे कवर नहीं करना पड़ता है, मतलब बारिश हो रही है वो सीधा चली जाती है बह के नीचे। और इसको हमने यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है इसके बीच में, ताकि थोड़ी बहुत बारिश अगर एल्बेस्टर से नीचे गिरती भी है तो वो पिंजरे में असर ना करें। तो ये सब करना पड़ रहा है जब तक हमारा नया मास्टर केज नहीं बनता है। अब मास्टर केज नहीं, अब सुपर केज की बारी है, क्योंकि मुझे बर्ड्स बढ़ाने हैं। आपको पता है कि मुझे लगभग लगभग 50 पेयर्स तो करने हैं इसी साल 2024 में। तो अगर मेरा हार्डवर्क रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा और मोनेटाइजेशन भी हो जाती है, जो कि मेरा एक सपना भी है, तो हम लोग इसको ज़रूर करेंगे 50 पेयर। इसी जगह पे हमने एक बड़ा केज बनाना है जो कि थोड़ा ऊंचा भी हो, जिसमें शेड्स अच्छे से लगे हो, और वो बेटर रहेगा। तो हम लोग आ चुके हैं केज के अंदर और सारे बर्ड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक है। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने रखी हुई है मिट्टी और ये नॉर्मल मिट्टी है, ये मैंने खेत से लाई थी थोड़ी साफ़ क्वालिटी की, और ये सिर्फ एक पीस था। उसको इन्होंने काट काट करके ना पूरा पाउडर कर दिया है। मिट्टी को काटते हैं ये लोग दांत से, मतलब चोंच से अपनी, और इससे इन्हें मिलता है नेचुरल मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह या जो भी है बाकी चीज़ें। तो ये देना सही है, आप मिट्टी दो ये अच्छा रहेगा। और अंदर मैं आ चुका हूँ तो एक बार अपडेट लेता हूँ। इस मटकी के अंदर में है एग्स और इस मटकी के अंदर में है चिक्स।
तो सभी ठीक है? और यहाँ पे भी दो चिक्स हैं। फाइनली हम लोग केज के कंप्लीट बाहर आ चुके हैं, और जो अपडेट्स थे मैंने आपको दिया कि सॉफ्ट फूड में किस तरह से उनको सॉफ्ट फूड दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए सुबह में, और साथ ही साथ ब्रीडिंग में क्या अपडेट्स चल रहे हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, मतलब अभी मैं चाहूँ तो उनको हाथ में निकाल करके बाहर रख सकता हूँ, लेकिन जब उनके पेरेंट्स उन्हें खिला रहे हैं तो बेकार में उन्हें छेड़ना सही नहीं है। और जो चीज़ें हैं कि मिट्टी मैंने उन्हें दिया हुआ है खाने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा एक नेचुरल मिनरल है, उसके अलावा जो आप देना चाहो दे सकते हो, एंड जो अपडेट्स हमने केज पे किए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।